वेलकम दोस्तों, आज ब्लॉग बनाने का कोई मूड ही नहीं है मेरा, बहुत टायर्ड हूँ। कल रात 4 घंटे सो पाई मैंने, क्योंकि स्ट्रेस भी रहता है, बहुत सारा चीज सोचना भी पड़ता है इस ब्लॉगिंग के लिए और उसके ऊपर काम भी रहता है। आज से हमने जो हम जा रहे हैं इस घर को छोड़ के दूसरे घर के लिए, उसके लिए हमने पैकिंग शुरू की है। तो आज हमने जो हमारे बैग्स वगैरह है उससे हमने स्टार्ट किया है, अपने सही जगह पे रख दिया है। अभी नेक्स्ट घर में जाके वो खोलेंगे और कुछ ही दिन बाकी है, देखते देखते टाइम भी चला जाता है। और टाइम का क्या है ना, आज मैं बैठ के आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि हमने वो स्टार्ट कर दिया है पैकिंग, और देखते ही देखते वो दिन आ जाएगा कि जब हम इस घर को छोड़ के दूसरे घर में बैठे होंगे। तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है 31st नाइट का वो दिन जब हम यहाँ पे गाना छोड़ के पार्टी कर रहे थे, और जो खाना था वो मैं बना रही थी, और कपिल शर्मा का भी शो देख रहे थे, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया, अपलोड किया। अब नया साल आ गया, उसका भी तो 4 मंथ गुजर गया 2022 का। तो टाइम का तो ऐसा ही है, आज है और कल नहीं, तो पता नहीं है कैसे हम सारी चीज अभी पैक कर पाएंगे, क्योंकि आज 2 तारीख है यहाँ पे जब हम मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, और 15 को हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बुरा लगता है ऐसे। मैंने इससे पहले भी, दोनों मेरा घर था, मैंने पहले भी बोला है, एक ब्लॉग मैंने डाला है, अगर आप वो ब्लॉग मिस कर गए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। तो मेरा पिछला जो 2 घर था उसमें भी हमने बहुत अच्छे से, हम अपने घर की जैसा ही हमने सजा के वहाँ पे रहते थे, फिर हमें उन दोनों घर को ही छोड़ना पड़ा। अब ये तीसरा वाला घर है जिसको भी छोड़ना पड़ेगा। गला बहुत बैठा हुआ है, इसलिए ना मैंने 2 से 3 बार आज चाय पिया है, फिर भी आज गला का बहुत खराब कंडीशन है, आप समझ ही सकते हो। ऊपर से तो सोया भी नहीं रात को, और पैकिंग का भी तो जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। फिर भी जो भी है, जो भी मोमेंट है, मुझे ब्लॉगिंग की वजह से जो भी मैं काम करती हूँ, जो भी चीज़ है, वो सभी चीज़ को मैं मतलब डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ, मेमोरीज भी बन जाता है। मैं कभी कभार जब मुझे टाइम मिलता है मैं खुद ही देख लेती हूँ, मेरे ब्लॉग अच्छा लगता है। नए घर में जाके मैं ये वाला ब्लॉग देखने वाली हूँ, और इस सीरीज़ का जितना भी ब्लॉग होगा, मतलब ये जो ऐसे हम सामान को पैक करते हैं वगैरह वगैरह, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं जो पैकिंग किया है और उसका जो भी क्लिप मैंने लिया है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग आएगा, कल का ब्लॉग है जो मेरा नीश है, मैंने पहले भी बोला है कि चाइल्ड मैनेजमेंट, चाइल्ड स्टडीज, उसके ऊपर कल मेरा ब्लॉग आएगा। तो आप प्लीज उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं वो क्लिप दिखाती हूँ। आप सारी चीज एक एक करके बॉक्स के अंदर जा रहा है। यहाँ पे जो कैनोपी स्टाइल मैंने किड स्टैंड बनाया था वो मैंने रिमूव कर दिया है। बेटी का कुछ खिलौना है, ये सोफा और कुछ ट्रम्पलिन वगैरह है उसका। और ये रही मेरे 3 नंबर चाय, ये गुड़ वाली चाय है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और स्ट्रेस बस्टर भी है। बहुत ज़्यादा मुझे टायर्ड लग रहा था आज काम करते करते। दोपहर से लेकर शाम तक मैंने पूरे जो कपड़े हैं सबको मैंने पैक किया है। अभी तो बिखरा पड़ा है इस क्लिप में, पर मैंने शाम होते होते मतलब करीबन 7:30-8 बजे तक मैंने बैग को पैक कर लिया था। तो ये बैग तैयार है, सारे के सारे बैग मैंने बहुत ही अच्छे से पैक किया है, जो भी मुझसे हो पाया है, और बाकी जो कपड़ा है मैं वो जाने से पहले वो पैक करूँगी। ये शिफ्टिंग और ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, मैंने इससे पहले भी 2-3 बार मैंने किया है, तो अभी भी बहुत सारे काम बाकी है, इसलिए मैंने, मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग था पर मैं दे नहीं पाई। पर कल से मेरा रेगुलर ब्लॉग आएगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे शूज़ भी पैक कर लिया है, 1-2 शूज़ है जो हम सेल करेंगे या दे देंगे किसी को। सभी का पैकिंग हो गया है, अब सिर्फ बाकी है किचन का सामान और जो मैंने दिखाया है वो सोफ़ा वगैरह। तो किचन का तो मुझे बहुत सारे बर्तन को क्लीन करना है, क्योंकि ये जो मशीन है मेरा डिश वॉशर वो उतना अच्छा क्लीन नहीं करता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए कितना गंदा है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है पर ये बहुत सारे तुक्के बोलते हैं ना, जो हमें
सभी कुछ ट्राई करने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना, कोई बहुत ही बेसिक सा जो मशीन होता है ये वही वैसा ही है। मेरा जो सबसे पहला वाला घर का मशीन था, जो डिशवॉशर था, वो बहुत बेहतरीन था, पर मैंने उसे कभी भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देता है कि कैसे आपको एक मशीन को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं दिखाता है, और मुझे पता भी नहीं था, और ऊपर से रेंटल अपार्टमेंट था, तो मैंने पहले जो मेरा घर था मेसन में, मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब मशीन होने के बावजूद भी मैंने उसको यूज़ नहीं किया। मैंने ये स्टार्ट किया है मेरे दूसरे घर के आने के बहुत देर बाद, क्योंकि मेरा नाखून भी बहुत ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों डिशवॉशर रहते करना है। तो वर्जीनिया बीच का जो मेरा था मशीन, वो उससे अच्छा था, और उससे डिशवॉशर सोप और जो बोरॉक्स पाउडर है वो देने से बहुत ही अच्छा सा क्लीन हो जाता था, पर इससे नहीं होता है। तो देखते हैं मेरे अगले घर में कैसा है, आशा करती हूँ अगले घर में अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए।